हेलो फ्रेंड्स, तो लोकी का एपिसोड 3 आ चुका है और इसके साथ साथ हम इस सीजन के आधे एपिसोड्स को देख चुके हैं। एंड भाई सीरियसली, एपिसोड 3 के बाद मार्वल ने हमें इस पूरे सीजन का मिड बोनांजा तो दे ही दिया है। भाई क्या खतरनाक एपिसोड था, मजा आ गया देखकर। तो भाई हाँ, अभी तक तीनों एपिसोड्स में से एपिसोड 3 बेस्ट एपिसोड था, क्योंकि इसमें हम लोगों को विक्टर टाइमली देखने को मिल गया और भाई अच्छी खासी कहानी और अच्छा खासा टाइम उसको दिया गया है यहाँ पे। और दोस्तों, इस पूरे एपिसोड को देखने के बाद मुझे 5 ऐसे हिडन डिटेल्स मिले हैं जो कि शायद आप लोगों ने नोटिस तो बिल्कुल नहीं किए होंगे। और भाई इन डिटेल्स को मैं सिर्फ हिडन डिटेल्स नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग डिटेल्स भी कहूंगा, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि ये डिटेल्स मैं आप लोगों को बता दूंगा और आप लोग बोलोगे कि वाओ यार क्या डिटेल थी। बल्कि दोस्तों, इन डिटेल्स को जानने के बाद आपकी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाएगी कि भाई ये कैसी डिटेल है। तो चलो यार, डिटेल में बताऊंगा जितना बता सकता हूं। तो चलो इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो डिटेल नंबर 1, तो दोस्तों इस एपिसोड के शुरुआत में हमने देखा कि रावोना रेंसलेयर और मिस मिनट पास्ट में आए हैं और उनको भेजा है ही हू रिमेंस नहीं। मतलब रावोना को तो कुछ नहीं पता है, लेकिन मिस मिनट को ही यू रिमेंस नहीं कहा था कि जाओ मेरे पास्ट वाले वर्जन को ये बुक देकर आओ। अब देखो, इस बुक की खासियत क्या थी ये भी इसी एपिसोड के अंदर हमें दिखा दिया गया, क्योंकि ये कोई और बुक नहीं बल्कि टीवीए की हैंडबुक थी जिसको लिखा है ओरोबोरस ने। एंड विक्टर टाइमली बचपन से जिस किताब को देखकर अपने नए नए इन्वेंशंस कर रहा है, वो दरअसल उसमें खुद का अपना कोई दिमाग नहीं लगा रहा, बल्कि ओरोबोरस ने जो कुछ भी उसमें डिजाइंस बनाए हैं, जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी थियरीज या फिर थीसिस दिए हैं उसमें, वही सब कुछ फॉलो करके वो अपने बनाता जा रहा है। तो भाई अब कंफ्यूजन यहीं से शुरू हो जाता है ना कि आखिर इन इन्वेंशंस को किया किसने है, क्योंकि देखो ओरोबोरस ने अपनी किताब में वही सब कुछ लिखा है जो कि उसने इन्वेंट किया है, या फिर कैंग के इन्वेंशंस जो भी टीवीए में वो यूज कर रहा है उसके बारे में लिखा है। और ये पास्ट वाला विक्टर टाइमली वही सब कुछ फॉलो कर रहा है जो कि ओरोबोरस ने अपनी किताब में लिखा है। तो भाई असल में इनका रचयिता है कौन? ये जो डिवाइसेस बन रहे हैं, ये ओरोबोरस के वजह से बन रहे हैं या फिर विक्टर टाइमली के वजह से बन रहे हैं? तो भाई देखा, डिटेल भी आप लोगों को बता दी और इस डिटेल ने आप लोगों को कंफ्यूज भी कर दिया। चलो अब अगला कंफ्यूजिंग डिटेल देखते हैं, डिटेल नंबर 2। अब देखो, इस सीन के अंदर मिस मिनट कहती है कि उसको मल्टीवर्सल वॉर और टीवीए से भी पहले बनाया गया था, और तब वो बस एक सिंपल सी एआई थी, लेकिन बाद में कैंग ने उसे और भी पावर्स दिए। और यहाँ पर वो ये भी बताती है और थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाती है कि आखिर उसको शरीर क्यों नहीं दिया गया, जिसका रीजन भाई उसकी बातों से ही समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो बिना शरीर के ही वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि कुछ भी चेंज कर सकती है, और यहाँ तक कि वो कैंग के दूसरे वेरियंट्स को भी अपना गुलाम बना सकती है, उनको अपने इशारों पर नचा सकती है, जैसे कि विक्टर टाइमली को नचा रही है ना। और बस इसलिए शायद ही यू रिमेंस ये जानता था कि अगर वो इसको शरीर दे देगा तो फिर मिस मिनट इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, इतनी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी कि शायद वो कैंग द कॉन्करर को भी मार दे, ही यू रिमेंस को भी मार दे और उसकी गद्दी पे खुद ही बैठ जाए, क्योंकि भाई इसके शक्ल को देखो, शक्ल से ही हरामी लग रही है। और क्या पता इस सीजन के एंडिंग में कुछ ना कुछ बड़ा बवाल कर दे और कैंग को ही साइडलाइन करने की कोशिश करे। और दोस्तों, शायद ही यू रिमेंस भी ये बात जानता था कि मिस मिनट ये सारे काम कर सकती है, इसलिए उसने उसको शरीर नहीं दिया, बस एक एआई टूल बनाकर, घड़ी बनाकर ही छोड़ दिया कि हाँ भाई जो भी करना है लिमिट पे कर, तेरे को हाथ पर दे दिए तो तू मेरा ही गला दबा देगी। तो अब डिटेल नंबर 3, भाई ये वाला डिटेल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पर जब रावोना रेंसलेयर और मिस मिनट यहाँ पे इसको बुक देने के लिए आती है, तो यहाँ पे हमें टाइमलाइन जो दिखाई जाती है वो होती है सेक्रेट टाइमलाइन, लेकिन जब मॉबियस और लोकी यहाँ पे विक्टर को पकड़ने के लिए आते हैं तो यहाँ पे हमें ब्रांच टाइमलाइन दिखती है, जिसका मतलब ये है दोस्तों कि जैसे ही विक्टर टाइमली को ये टीवीए वाली बुक मिली तो यहाँ से एक ब्रांच टाइमलाइन निकल गई और विक्टर टाइमली की किस्मत ही बदल गई, जिसको आप ऐसे नॉर्मली सोचोगे तो कुछ नहीं, लेकिन भाई थोड़ा सा अगर डीपली सोचने के लिए जाओगे ना तो ऐसा हो सकता है कि अगर विक्टर टाइमली को टीवीए की हैंडबुक नहीं मिलती तो वो आगे जाकर भी कैंग द कॉन्करर बनता शायद, लेकिन कुछ अलग तरीके से बनता, या फिर इविल वर्जन ऑफ कैंग बनता, क्योंकि भाई इविल वर्जन ऑफ कैंग्स भी बहुत सारे हैं ना। तो हो सकता है कि अगर उसको टीवीए की हैंडबुक नहीं मिलती तो वो एक इविल कैंग द कॉन्करर बनता तो जरूर भाई, इनकी किस्मत ही यही है। लेकिन अब क्योंकि उसको बचपन में ही टीवीए की हैंडबुक दे दी गई है, तो उसका बचपन से ही दिमाग टीवीए के ऊपर जा रहा है और टाइमलाइंस को कंट्रोल करने के ऊपर जा रहा है, और बस इसलिए ही आगे जाकर ये एक अच्छा वाला वर्जन बनेगा, मतलब कि जिस राह पर ही यू रिमेंस चला था उसी राह पर ये भी चलेगा। अब देखो, है तो ये एक वेरिएंट ही, ओरिजिनल ही यू रिमेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि ही यू रिमेंस को ये पता था कि वो मरने वाला है, इसलिए उसने अपने एक वेरिएंट को चुना और उसके पार्ट्स को उसी तरह से डिजाइन कर दिया जिन पार्ट्स पे वो चला था, क्योंकि अगर उन्हीं पार्ट्स पे ये भी चलेगा तो आगे जाकर ये भी उसी कुर्सी तक पहुंचेगा जिस कुर्सी पे ही यू रिमेंस आखिर में पहुंचा था। तो भाई ये कुछ ऐसा लफड़ा है यहाँ पे, समझे? तो अब डिटेल नंबर 4, देखो दोस्तों ये डिटेल है ना मेरे लिए भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसमें मैं आप लोगों की भी राय जानना चाहूंगा थोड़ा सा, ठीक है? तो दोस्तों इस सीन के अंदर विक्टर टाइमली जो है वहां पे एक टेम्पोरल लूम सबको दिखा रहा है, मतलब जो कि एक मिनी वर्जन है टेम्पोरल लूम का, और सेम टेम्पोरल लूम हमने वहां पे टीवीए के बाहर देखा है जो कि एक बहुत ही बड़ा वर्जन है उसका। लेकिन भाई ये जो छोटा वाला वर्जन है जो कि विक्टर टाइमली ने यहाँ पे पास्ट में बनाकर
सबको दिखाया है, ये लूम इसने कहाँ से बनाया? ये लूम भी तो इसने ओरोबोरस के बुक को देखकर ही बनाया ना। मतलब कि दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो टेम्पोरल लूम, ये जो मिनी वर्जन ऑफ टेम्पोरल लूम है, इसको भी विक्टर टाइमली ने खुद अपने दिमाग से नहीं बनाया बल्कि टीवीए की हैंडबुक को देखकर ही बनाया, जिसकी वजह से वो ओरोबोरस का बहुत बड़ा फैन भी है। तो भाई अब ये बात मेरे को समझ नहीं आ रही कि जिस टेम्पोरल लूम को उसने खुद से बनाया ही नहीं, अपना दिमाग उसमें लगाया ही नहीं, तो अब टीवीए में जाकर वो उस टेम्पोरल लूम को ठीक कैसे करेगा? मेरे को ये बात अच्छे से समझ नहीं आ रही, या फिर कुछ और होगा जो कि मैं शायद देख नहीं पाया। अगर आप लोगों के पास इसका जवाब है तो ज़रूर बताना। बाकी दोस्तों जितना मुझे समझ आया है तो वो ये है कि जिस टेम्पोरल लूम के एक छोटे वर्जन को उसने बनाया है ना, तो उसको बनाने के लिए कुछ एक पासकोड वगैरह उसने सेट किया होगा जो कि आगे जाकर बड़ा लूम बनेगा और उसमें वही पासकोड यूज़ होगा जो कि इसने कैंग ने या फिर उसके वेरियंट्स ने सेट किया था। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हिसाब किताब हो सकता है। बाकी यार और भी डिटेल में इसको मैं समझने की कोशिश करूँगा और कुछ अच्छी थियरी या फिर कुछ समझ में आता है मेरे को तो आपको ये सारी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिटेल नंबर 5 पे। तो दोस्तों जब यहाँ पर रेवोना रेंसलेयर और मिस मिनट ह्यू रिमेंस के बॉडी के पास आते हैं तो यहाँ पे मिस मिनट एक बात कहती है कि विक्टर बहुत ही बड़ी गलती कर रहा है हमको अपना दुश्मन बनाकर, क्योंकि हम वो हैं जो उसके सारे राज जानते हैं। और जैसा कि मैंने कहा ये मिस मिनट यहाँ पर भी अपनी हरामियत दिखा रही है। और भाई इसको देखकर देखो डिटेल तो छोड़ो, डिटेल तो ये छोटी सी कि हाँ ये बात कर रही है उसको मालूम है सारे राज, ये तो आपको क्लियरली समझ आ गया। लेकिन भाई क्या ऐसा हो सकता है कि ये मिस मिनट उसकी जगह लेना चाहती है? क्योंकि देखो अभी थोड़ी देर पहले भी जिस डिटेल पे हम लोग बात कर रहे थे तो वहाँ पर भी ऐसे सेंस बैठ रहे थे कि उसको अगर शरीर मिल जाएगा तो वो उसकी जगह ले लेगी। तो क्या ये मिस मिनट यहाँ पर वही सब कुछ करना चाहती है जो कि पिछले वाले कैंग ने उसके साथ नहीं किया? क्योंकि भाई देखो ही रिमेंस ने तो उसको शरीर नहीं दिया और उसको ऑर्डर्स दे दिए कि जाओ विक्टर टाइमली की मदद करो। लेकिन भाई ये विक्टर टाइमली की मदद कर रही है लेकिन साथ ही साथ उसको कन्विंस करने की भी कोशिश कर रही है कि उसको शरीर दे दिया जाए। यार कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे जाकर सब कुछ हालात और जज्बात बदल जाए और हम लोगों को लगे कि कैंग तो बेकसूर है, असली हरामी तो ये एआई है, ये मिस मिनट है जो कि आगे चलकर ही यूरिमेंस या फिर आगे नेक्स्ट बनने वाले ही यूरिमेंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात ये भी है कि विक्टर टाइमली इससे कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि देखो जैसे ही इसने पार्टनरशिप की बात की थी ना उससे और ये बात करने लगी कि मेरे को भी शरीर चाहिए, हम दोनों पार्टनर्स हैं, तो उसने फिर इसको भी बाय बाय कर दिया कि चल निकल यहां से। तो विक्टर टाइमली स्मार्ट तो है बट वो कितना स्मार्ट है वो अभी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ही रिमेंस का जितना दिमाग था उतना दिमाग इसके अंदर है कि या नहीं, क्योंकि थोड़े से बचकाने हरकत भी ये करता है यहाँ पर, तो जो कि अंडरस्टैंडेबल भी है क्योंकि भाई अभी तो उसको कुछ पता ही नहीं है ना कि क्या हो रहा है उसके साथ। तो जैसे जैसे वो सब कुछ समझता जाएगा वैसे वैसे स्मार्ट भी होता जाएगा और वो स्मार्टनेस हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी जब वो टेम्पोरल लूम को ठीक करेगा, और अगले एपिसोड के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो दोस्तों ये थे वो 5 हिडन डिटेल्स जो कि शायद आप लोगों ने मिस कर दिए होंगे। और आप लोग मेरे को आप कमेंट्स में बताओ कि आपको लोकी का सीजन 2 कैसा लग रहा है? भाई मेरे से पूछो तो मजा आ रहा है मेरे को। एंड फाइनली मार्वल इज बैक, लग रहा है कि हाँ भाई ये वही मार्वल है जिससे मैं प्यार करता था। तो यार अब बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।